हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली काफ़ी फ्लफी नज़र आ रही है और एक स्क्वायर जैसी शेप भी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की शेप बनती हुई जो यहाँ पर शो करती है काफ़ी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और जिस तरह से इनकी फिंगर्स हैं वो भी यहाँ पर इनकी बहुत ही फ्रेंडली एंड सोबर नेचर को शो कर रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं फिंगर्स के ऊपर बिल्कुल सीधी कुछ खड़ी रेखाएँ नज़र आ रही हैं कुछ इस तरह की, जो इनको काफ़ी फ्रेंडली बना रही हैं। लगभग सभी फैलेंजेस के ऊपर ऐसी रेखाएं हैं और थिकनेस जो है फिंगर्स की काफ़ी अच्छी है, जो यहाँ पर अच्छी एनर्जी और स्टैमिना शो कर रही हैं। लेकिन अगर हम लेंथ वाइज फिंगर्स को देखें तो लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, जो यहाँ पर थोड़ी सी जल्दबाज पर्सनैलिटी को भी शो करती हैं। ऐसे व्यक्ति डिसीजंस बड़ी जल्दबाजी में लेते हैं और कई बार इसी जल्दबाजी की वजह से इन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। और अगर पर्टिकुलर फिंगर्स की लेंथ देखी जाए तो यहाँ पर जो इनकी बृहस्पति फिंगर है ये थोड़ी सी शॉर्ट है अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर सूर्य फिंगर के साथ। अदरवाइज थिकनेस काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी रह सकती है। ओवरऑल स्ट्रेट फिंगर होने की वजह से कोई ज़्यादा कमी नहीं रहेगी, फैमिली सुख अच्छा मिलने वाला है क्योंकि बृहस्पति माउंट भी अच्छा है यहाँ पर। और जो शनि फिंगर है काफ़ी स्ट्रेट है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर रहेगी और इसी हार्ड वर्क की वजह से ये काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में पा सकते हैं। और सूर्य फिंगर को देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य फिंगर, अच्छी लेंथ में, क्रिएटिव क्वालिटीज़ इनके भीतर रहनी चाहिए और अच्छा सोशल सर्कल यहाँ पर सूर्य फिंगर की जो स्ट्रक्चर है वो शो कर रहा है। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी फिंगर यहाँ पर सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती हुई, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी लो सेट भी हो रही है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल्स उनके अच्छे रहेंगे लेकिन थोड़ी शाई नेचर रहने के भी चांसेस हैं, थोड़ी संभावना रहेगी कि बहुत जल्दी ओपन अप ये नहीं हो पाते होंगे, कुछ इस तरह की नेचर इनकी रहने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके माउंट्स को, माउंट्स इनके बारे में क्या क्या इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरह से इनके माउंट्स की सेटिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक आर्च बनता हुआ, जिसमें इनकी जो मर्करी फिंगर है थोड़ी सी लो सेट है, अदरवाइज और कोई भी फिंगर मुझे लो सेट होती हुई नहीं दिखाई दे रही। काफ़ी अच्छी जो फिंगर्स की सेटिंग है यहाँ पर दिखाई दे रही है, सभी माउंट्स को अच्छी स्पेस मिल पा रही है। तो चलिए वन बाई वन सभी माउंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनकी इनका बृहस्पति माउंट है उसके ऊपर दो आड़ी रेखाएं आपको दिखाई दे रही होंगी कुछ इस तरह की। इस तरह से आड़ी रेखाएं यहाँ पर होना मल्टीपल बिजनेसेस को शो करती हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम जो होते हैं एक से ज़्यादा रह सकते हैं। और ऐसी रेखाएं अगर यह कुछ इस तरह से रेखा बन रही हो कम्प्लीटली तो इसको गुरु वल्या कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर यह ऐसी तो नहीं बन रही। लेकिन जिस हिसाब से ये रेखा चल रही है, ये आगे चलकर कुछ इस तरह से आगे की तरफ और पीछे की तरफ बढ़ सकती है और एक गुरु वल्या बन सकता है। जिनके भी हाथ पर कुछ इस तरह का गुरु वल्या बनता है ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के प्रभाव इनके ऊपर भी रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक हल्का सा यव का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है और पार्शियल गुरु वल्या दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर आ सकती है जैसे जैसे एज बढ़ेगी, और जैसे जैसे यह जो वल्या का साइन है ये कंप्लीट होगा तो स्पिरिचुअल टाइप की लाइफ इनकी रह सकती है। दूसरा, इस तरह की रेखाएं होना सिंपैथेटिक नेचर को भी दर्शाता है, तो काफ़ी सिंपैथेटिक नेचर रहेगी, लोगों के प्रति हमदर्दी इनके अंदर रहनी चाहिए। और ये जो लाइंस रहती हैं एक से ज़्यादा लाइंस यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में भी बतलाती हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी संभावना भी रहेगी कि एक से ज़्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम इनके हो सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु माउंट बेशक थोड़ा सा लो सेट ज़रूर है लेकिन उभरा हुआ है गुरु माउंट यहाँ पर, और
इस तरह की स्ट्रक्चर में गुरु माउंट अच्छे सुख देता है, फैमिली की तरफ से भी व्यक्ति को अच्छा सुख रहता है। आगे आप देख सकते हैं इनका शनि माउंट जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, शनि माउंट का दबना यहाँ पर हार्डशिप्स को बढ़ाता है, मेहनत को बढ़ाता है, खासतौर पे प्रोफेशन के लिए। और अगर आप यहाँ पर भी शनि रेखा को ध्यान से देखें तो आपको नजर आएगा कि एट टाइम्स ये शनि रेखा थोड़ी सी वीक होकर चलती हुई और इस तरह से आगे बढ़ रही है। जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर वो शनि रेखा का 36 की एज से लेकर 58 की एज तक एक अच्छी फॉर्मेशन में चलना, यहाँ तक की जो एज रहती है ये सबसे क्रूशियल होती है। 36 से लेकर 58 की एज तक यह इनकी जो शनि रेखा है काफ़ी कंप्लीट है, काफ़ी स्ट्रांग है, जो यहाँ पर इनको इस एज फॉर्मेशन के बीच इस समय के दौरान काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देने वाली है। और अदरवाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पर 36 से पहले की एज में थोड़ी सी यहाँ पर ये रेखा वीक हो रही है, जो शो करती है हार्डशिप्स को, मेहनत को, ज़्यादा मेहनत रहती है। लेकिन इसका मीनिंग यह नहीं रहता कि इनकम कम होगी, इनकम हो सकता है इनकी नॉर्मल से ज़्यादा रहे इस टाइम में भी, लेकिन कंफर्ट नहीं रहते इस समय में। लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जहाँ पर भी शनि रेखा वीक होती है। तो वीक शनि रेखा यहाँ पर हार्डशिप्स को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी मेहनत रहेगी लाइफ में और काफ़ी अच्छी तरक्की भी इनकी रहने वाली है। आगे आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट भी शनि माउंट की तरह ही थोड़ा सा वीक होता हो, थोड़ा सा दबता हुआ, और एक सूर्य रेखा जो कुछ इस साइज की है यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य रेखा तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस तरह की सूर्य रेखा भी इनको 50s के आसपास की एज से ही काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम देगी। आप देख सकते हैं यह रेखा जहाँ से शुरू हो रही है लगभग 50 के अराउंड एज यह रहने वाली है, और इस एज से इनकी रिकॉग्निशन सोसाइटी में काफ़ी अच्छी हो जाएगी और काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम इनको इस एज में मिल सकता है। आगे आप देख सकते हैं मर्करी माउंट को, तो मर्करी माउंट यहाँ पर उभरा हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा सा लो सेट ज़रूर है लेकिन मर्करी माउंट में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। मर्करी रेखा यहाँ पर मौजूद है और मर्करी माउंट का अच्छा होना बिजनेस एक्यूमेन को बढ़ाता है, व्यक्ति के भीतर बिजनेस करने की काफ़ी अच्छी क्षमता रहती है और इस तरह का मर्करी माउंट व्यक्ति को धन लाभ भी देता है। साथ ही साथ जो मर्करी रेखा की वजह से मनी ट्रायंगल बनता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके हाथ में कंप्लीट मनी ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो धन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह का मनी ट्रायंगल होने से व्यक्ति की लाइफ में धन की कमी नहीं होती, तो यहाँ पर एक यह बेनिफिशियल चिन्ह है और इवन मर्करी माउंट का उभरा हुआ होना भी एक अच्छा योग है। तो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं रहेंगी, लाइफ जो है स्मूथ रहेगी और अच्छी एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ इनकी लाइफ में होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेजर लाइंस की तरफ, तो आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन कुछ हल्की ऑफशूट्स के साथ है, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 2 से 3 ऑफशूट्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जो इनको थोड़ी मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं, थोड़ा सा इमोशनल स्ट्रेस रहता है इस तरह की डाउनवर्ड लाइंस की वजह से। और हार्ट की लाइन यहाँ पर पूरी तरह से आगे बढ़कर एक बाईफोर्क यानी कि विष्णु सिंबल बनाती हुई, इस तरह का विष्णु सिंबल जिनके भी हाथ में बनता है ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन जिनके भी हाथ में ये चिन्ह बनता है उनको मैं हमेशा यही राय देता हूँ कि गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो बेनिफिट होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो अच्छे रास्ते पर चलते हुए काम करें तो बहुत अच्छी तरक्की इनकी लाइफ में रहने वाली है। थोड़ी मटीरियलिस्टिक टाइप की अप्रोच लाइफ में रह सकती है, क्योंकि जो इनकी हार्ट की लाइन की कमेंसमेंट है वो यहाँ पर शनि एरिया से ही शुरू होती दिखाई दे रही है, जो इनको मटीरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति इनका आकर्षण जो है ज़्यादा दर्शा रही है। तो कुछ इस तरह की अप्रोच रह सकती है, अदरवाइज कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर हार्ट की लाइन में नज़र नहीं आ रही, काफ़ी अच्छी इनकी हार्ट की हेल्थ मैं देख पा रहा हूँ। माइंड की लाइन की बात की जाए तो मिडल एज में चलकर थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे यहाँ पर माइंड की लाइन पे नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, इतना एरिया जो इनकी माइंड का लाइन का है बहुत स्ट्रांग है, और उसके आगे जो इस तरफ वाला एरिया है यह भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो ये बीच वाला पार्ट है उसमें देख सकते हैं एक तो आइलैंड जैसी फॉर्मेशन होती हुई, दूसरा यहाँ पर लाइन का जो वीक होना यहाँ पर मिडल एज में लगभग अगर देखा जाए तो यह 34-35 के आसपास की एज से थोड़ा स्ट्रेस माइंड के ऊपर नज़र आ रहा है।
तो मानसिक परेशानी किसी तरह की किसी वजह से डिप्रेशन जैसी दिक्कत का सामना इनको करना पड़ सकता है। अदरवाइज माइंड बहुत शार्प है इनका, लेकिन लोनलीनेस फील हो कर सकते हैं लाइफ में, ये अकेलापन महसूस हो सकता है, वैराग्य जैसी भावना रह सकती है, जो इस एज में लगभग यहाँ पर 34 के आसपास की एज से इनको थोड़ी बहुत इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है लाइफ में। माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, आगे बढ़ते हैं, फेट लाइन हम देख चुके हैं, काफ़ी अच्छी फेट लाइन है इनकी, मनी रिलेटेड दिक्कतें नहीं है। अगर हम बात करें लाइफ लाइन की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम मुझे फिजिकल हेल्थ में नजर नहीं आ रही, सिर्फ मानसिक प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन फिजिकली यहाँ पर कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही। काफ़ी अच्छी इनकी लाइफ की लाइन, अगर आप देखें इस लाइफ की लाइन को, तो लगभग 90 के आसपास की एज को यह एंजॉय कर पाएंगे, और ज़्यादातर चांसेस है कि अपने कंट्री में ही सेटल्ड रहेंगे। फॉरेन घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, थोड़े टाइम के स्टे के लिए जा सकते हैं, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, क्योंकि इनकी इनका वीनस बहुत स्ट्रांग है, और साथ ही साथ शुक्र अच्छा होने के साथ साथ यहाँ पर पीछे की तरफ मुड़ती हुई जो रेखा है वो भी अपनी फैमिली के साथ व्यक्ति को अटैच रखती है। उसके अलावा वीनस और चंद्र का एरिया आपस में जुड़ना यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की वीएल सीवीएल लाइन की वजह से किसी तरह की एडिक्शन भी इनको हो सकती है, यह भी संभावना यहाँ पर देखी जा सकती है। अदरवाइज काफ़ी अच्छी लाइंस हैं इनकी, और यहाँ पर जो माउंट्स हैं खासतौर पर चंद्रमा और शुक्र का माउंट बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग रहेगी और एक तरह से लग्जरियस चीज़ें इनको मिलती रहेंगी लाइफ में, कंफर्ट्स रहेंगे, बीच में थोड़े से डिस्कम्फर्ट भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लाइफ यहाँ पर कंफर्टेबल रहती हुई ही मुझे दिखाई दे रही है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।